नमस्कार बच्चों, आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा नौवीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग एक का पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बच्चों, केवल 8 वर्ष के जब वे थे उनकी माता का देहांत हो गया था। तब से लेकर जीवन के अंत तक उन्होंने विषमताओं भरा जीवन ही जिया है। शायद यही कारण है कि उनके पात्रों को भी हम जीवन की परिस्थितियों से लड़ते जूझते हुए देखते हैं। वे बहुत ही महान व्यक्तित्व के मालिक थे। वे उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते थे। हिंदी के महानतम लेखकों में सबसे ऊपर उनका नाम ही आता है। उन्होंने बच्चों बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे उन्होंने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 8 बाल पुस्तकें और न जाने कितनी दूसरी रचनाएं की हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली थी, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। उनके मुख्य उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन इत्यादि। और उनकी मुख्य कहानियां बच्चों दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी आदि। बच्चों, प्रेमचंद जी का देहांत 1936 ईस्वी में हो गया था, जब वे केवल 56 वर्ष के थे। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ पर जाने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है। जैसा कि कहानी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो बैलों के बारे में है, जिनका नाम है हीरा और मोती। एक अन्य मुख्य पात्र है कहानी में, जो कि इन बैलों का मालिक है, जिसका नाम है झूरी। तो आइए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी का कथन है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसान व पशुओं के बीच के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जिस समय उन्होंने यह कहानी लिखी थी, उस समय हमारा देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। इस कहानी के दो पात्र बैलों का चित्रण करते हुए लेखक प्रेमचंद जी ने उनकी स्वभावगत विशेषताओं का भी बखान किया है, जो कभी कभी मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक सम्माननीय हैं। इस कहानी में बच्चों, लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, अर्थात वह ऋषि मुनियों की तरह एकदम शांत होता है, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। इसी तरह लेखक कहते हैं कि बैल भी गधे का छोटा भाई ही होता है, अर्थात वह भी शांत ही रहता है, परंतु कभी कभी वह अपना असंतोष कई नीतियों से प्रकट कर देता है। बच्चों, पाठ में
झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वे अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। वे दोनों भी झूरी से बहुत प्रेम करते थे और कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। उधर हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए और अपनी थकान मिटाने के लिए कई बार एक दूसरे को चाटने लगते थे या एक दूसरे से सींग मिलाते थे। हर मुसीबत में वे एक दूसरे का साथ देते थे और मूक होने पर भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। एक बार की बात है बच्चों कि एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया उन दोनों बैलों को लेने के लिए झूरी के पास आया और उन दोनों को अपने खेतों में काम करने के लिए ले गया। वहां पर उसने उनसे खूब काम करवाया और खाने को भी रूखा सूखा ही दिया था। एक दिन दोनों बैल इस स्थिति से तंग होकर रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे दोनों भी खुश थे क्योंकि झूरी के पास उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहती थी और अपने मालिक से प्रेम भी मिलता था। मगर झूरी की स्त्री को ये भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और खाली सूखा भूसा खिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से उन्हें लेने आ गया और फिर से उन्हें मन मार कर गया के साथ जाना पड़ा। फिर से उन्हें वही कड़ी मेहनत करनी पड़ी और रूखा सूखा खाने को मिला। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। मोती क्योंकि बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, परंतु हर बार हीरा उसे समझाता कि ऐसा करना सही नहीं है। मोती जितना गुस्सैल था, हीरा उतना ही धीरज वाला था। एक बार हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए तो मोती ने गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में रस्सियां पड़ी होने के कारण वह पकड़ा गया। इसके बाद उनकी खूब पिटाई हुई। इस तरह वहां उन दोनों की हालत बहुत ही खराब होती चली गई। बच्चों, वहीं पर एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे रोज मारती थी। इसीलिए उस लड़की को हीरा और मोती से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज रात को दोनों बैलों को चोरी छिपे दो रोटियां डाल जाती थी। इस तरह उस छोटी लड़की में और उन बैलों में प्रेम बढ़ गया। एक दिन उस लड़की ने चुपके से रात में जाकर उनकी रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग खड़े हुए। झूरी का साला और गांव के दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए जहां उन्हें मटर के खेत दिखाई दिए। दोनों ने पेट भर कर मटर खाए क्योंकि दोनों बेचारे कई दिनों से भूखे थे। अब झूरी के घर जाने का रास्ता तो वे भूल चुके थे, लेकिन फिर भी वे दोनों खुश थे और आजादी का अनुभव कर रहे थे। इसी बीच बच्चों, उनका मुकाबला एक सांड से हो जाता है जिसको दोनों ने आपस में मिलकर मार भगाया। लेकिन तभी खेत का मालिक उस खेत में आ गया। मोती तो खेत के अंदर था और हीरा खेत के बाहर था, तो मोती को पकड़ लिया गया। लेकिन मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा ने भी खुद को उनके हाथों पकड़वा दिया। दोनों बैलों को पकड़कर खेत का मालिक उन्हें कांजी हाउस में बंद करवा आया। कांजी हाउस जानवरों को रखने का एक स्थान होता है जहां लावारिस या दूसरों के खेत खराब करने वाले मवेशी या जानवरों को बंद रखा जाता है, और जब तक उन्हें कोई जुर्माना देकर छुड़वाने न आए तब तक छोड़ा नहीं जाता या फिर नीलाम कर दिया जाता है। वहां और भी बहुत से जानवर थे, पर सबकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। जब हीरा मोती को भी खाना नहीं मिला तो उनके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर अगले ही दिन दोनों ने दीवार गिराकर दूसरे जानवरों को भगाने में मदद की। मोती भाग सकता था, परंतु फिर से हीरा को बंधा देखकर
वह नहीं भागा। कांजी हाउस के मालिक को जब पता चला कि हीरा और मोती ने बाकी जानवरों को कैद से भगा दिया, तो उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा और मोती को अपने साथ ले जाने लगा तो वे तुरंत समझ गए कि उनका अंत अब समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित जगह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों खुशी से उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर खड़े हो गए। झूरी ने जब अपने दोनों बैलों को देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन अचानक वह दड़ियल आदमी आकर बैलों को रस्सी से पकड़ने लगा और ले जाने की जिद करने लगा। झूरी के समझाने पर भी वे बैल उसके हैं, उसने नहीं माना और जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और उस दड़ियल आदमी को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से हरा भरा घास खाते हुए दिखाई दिए और तभी झूरी की पत्नी ने भी उन दोनों बैलों को खुशी से चूम लिया। तो बच्चों, ये था हमारी कहानी का सार। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, प्रेमचंद जी इस कहानी के द्वारा हमें क्या संदेश दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है इस कहानी का? तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, हीरा और मोती दोनों बैलों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी और उन दोनों ने बुरे समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, जो कि सच्ची मित्रता का परिचायक है। इसके साथ ही प्रेमचंद जी ने हमें संदेश दिया है कि मनुष्य हो या प्राणी, स्वतंत्रता सभी के लिए महत्व रखती है और हम सबका कर्तव्य है कि इस अधिकार को बनाए रखें। बच्चों, इसके साथ साथ प्रेमचंद जी ने इस पाठ के अंदर हमें मनुष्य और जानवर के बीच एक अत्यंत ही सुंदर संबंध को भी दर्शाया है कि मनुष्य और पशु के बीच में किस प्रकार प्रेम संबंध हो सकता है। बच्चों, अब हम कहानी के मुख्य बिंदुओं पर कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपके विचार जानना चाहूंगी, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गाय, बैल, गधा या कुत्ता? क्या उत्तर है बच्चों? गधा, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता? बुद्धिमानी का, बेवकूफी का, सहनशीलता का या सीधेपन का? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बुद्धिमानी का भाव नहीं होता। अगला प्रश्न है बच्चों, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? अत्यंत भोलापन, अत्यधिक मूर्खता, अत्यधिक सहनशीलता या सादगी? उत्तर बहुत आसान है, अत्यधिक सहनशीलता। बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है बच्चों, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? विकल्प सुनिए, आम आदमी के, चोर डकैतों के, ऋषि मुनियों के या कुलीन वर्ग के लोगों के? सोच समझकर उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऋषि मुनियों के। अगला प्रश्न है बच्चों, गुणों की पराकाष्ठा, इसका क्या अर्थ है? इसके लिए विकल्प हैं बच्चों, गुणों का विशालकाय रूप, गुणों का सागर, गुणों का न होना या गुणों की चरम सीमा? क्या उत्तर होगा बच्चों? गुणों की चरम सीमा, सही। अगला प्रश्न है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको इसका उत्तर अवश्य आता होगा। विकल्प सुनिए, दादी के घर, नानी के घर, ससुराल या बुआ के घर? कहाँ भेजा था? जी हाँ, उसने उन्हें अपने ससुराल भेजा था।
अगला प्रश्न बच्चों, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? मकान, वाणी, पैसा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। हीरा और मोती अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर और सींग मिलाकर, या एक साथ खाना खाकर, या बच्ची के हाथ से रोटी खाकर, और या झूरी की बात मानकर? उत्तर क्या है बच्चों? एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर और सींग मिलाकर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे उत्तर दिए आप सबने। तो आइए अब बात करते हैं इस पाठ की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर। बच्चों, इस वाक्य को देखिए, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। इस पंक्ति के द्वारा कौन सा नैतिक मूल्य लेखक हमें बताना चाहते हैं? आप सोचकर उत्तर दीजिए। अपने परिवेश में देखिए, आपने कई तरह के दृश्य देखे होंगे। आमतौर पर स्त्रियों से दुर्व्यवहार किया जाता है, शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए यह कथन सभ्य समाज पर लागू होता है। असभ्य समाज में तो स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं। अगला बिंदु है बच्चों, जरा ये पंक्ति सुनिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। बच्चों, ये पंक्ति हीरा और मोती के आपसी संबंध का वर्णन करती है। आप क्या समझते हो इससे? लेखक किस शक्ति की बात कर रहा है? हाँ हाँ बताइए। वे दोनों मूक प्राणी हैं, फिर भी एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं, एक दूसरे का दुख जान लेते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। क्यों बच्चों, क्या कारण है? यही कि मनुष्य स्वार्थी है, उसे दूसरों की परवाह ही कहाँ होती है कि वे उनके दिल की बात जान पाए। यही बात प्रेमचंद जी की कहानी द्वारा प्रकट हो रही है। चलिए अब आप सब इस पर अपने विचार मुझे बताइए। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेखक के इस कथन का क्या अर्थ निकलता है बच्चों? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है? कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमारा कोई साथी या परिवार का सदस्य या कोई हमदर्द यदि सच्चे दिल से हमारा हालचाल पूछ ले तो हमारे दिल को सुकून प्राप्त हो जाता है। हमारी परेशानी चाहे दूर न हो पर मन को शांति अवश्य प्राप्त हो जाती है, जैसा कि दोनों बैलों के साथ भी हुआ। उस लड़की के हाथ से रोटी खाकर उनका पेट तो नहीं भरा, परंतु उनके हृदय को शांति अवश्य मिल गई। एक बात और है बच्चों, जो मुख्य रूप से इस कहानी में से निकलकर आती है, और वह है पशुओं और मनुष्यों के बीच का संबंध। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो लोग घर में कोई जानवर रखते हैं उनका बरबस ही उससे प्रेम पड़ जाता है। वह जानवर घर के सदस्य से कम नहीं होता, वह भी अपने मालिक के प्रति उतने ही प्यार, यहां तक कि अपनी नाराजगी भी प्रकट करता है। यही सत्य कहानी में भी दर्शाया गया है। झूरी और उसके बैलों के बीच ऐसा ही भावनात्मक संबंध था। बच्चों, प्रेमचंद जी ने ये कहानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1931 में लिखी थी, तो क्या वे स्वतंत्रता के मूल्य की ओर हमारा ध्यान दिलवाना चाहते थे? यदि हाँ, तो
तो पाठ से कोई उदाहरण बताइए। सोचिए जरा, क्या उदाहरण बताएंगे आप? दोनों बैल हमेशा अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील दिखाए गए हैं। यह बात लोगों को प्रेरणा देने के लिए ही है कि अपनी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानकर उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सब बातों के बाद बच्चों, आइए हम भाषा की थोड़ी सी बात करते हैं। लेखक हमेशा ही अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा तो हमेशा ही मुहावरा निष्ठ रही है। तो आइए इस पाठ में आए कुछ मुहावरे दोहराते हैं और देखते हैं कि आप उनका प्रयोग वाक्यों में कैसे करते हैं। पहला मुहावरा है हिम्मत हारना। वाक्य बनाइए बच्चों। हिम्मत कब हारता है व्यक्ति? जब वह निराश हो जाता है। तो वाक्य क्या हो सकता है? दोबारा से असफल होने के बाद राहुल हिम्मत हार गया, ऐसा वाक्य आप बना सकते हो, या कुछ और भी बना सकते हो। अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं, टकटकी लगाना। तो टकटकी लगाना बच्चों क्या होता है? एक टक देखते रहना। ये कब होता है? जब हम किसी का इंतजार करते हैं। आगे चलते हैं, अगला मुहावरा है जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना मतलब जान ही ना रहना या मृत्यु हो जाना। तो ये कब हो सकता है? जब आप कोई खतरनाक कार्य करें। बच्चों अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। यानी कोई आपको ईंट मारे तो आप उसका जवाब पत्थर से दें, मतलब उसे पत्थर मारें। तो ये क्या हुआ? बराबर का मुकाबला कर रहे हैं आप। सही। तो ऐसा कब होता है बच्चों? आमतौर पे कब होता है? जब दो सेनाएं आमने सामने होती हैं और एक दूसरे से लड़ाई करती हैं। बहुत अच्छे। अगला मुहावरा जो पाठ में आया है बच्चों, वह है दांतों पसीना आना। शरीर में तो पसीना आता है बच्चों, पर दांतों पसीना आना कोई खास बात ही लगती है, अर्थात बहुत मेहनत करना। जब आप परिश्रम करें तब हो सकता है आपके दांतों तक पसीना आ जाए। आगे चलते हुए हम देखते हैं अगला मुहावरा जो है 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 यानी भाग जाना। ये तो आप भी बहुत बार करते होगे। जब माँ की मार से बचना हो तब आप 9-2-11 हो जाते हो। सही है ना? चलो अगला मुहावरा। अगला मुहावरा है बगलें झांकना। बगल क्या होती है पता है ना आपको? तो बगलें झांकना यानी कुछ ना सूझना, जवाब ना आना। और ये स्थिति कब होती है? जब कक्षा में आप पाठ याद करके न जाओ और अध्यापक आपसे प्रश्न पूछ ले। जी, तब आती है यह स्थिति। आगे चलते हैं बच्चों। अगला मुहावरा है गम खाना। इस मुहावरे का अर्थ है बच्चों बहुत ही धैर्य रखना। मतलब दुख का समय है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और फिर भी अपने गम को, दुख को खाकर अर्थात दबाकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि वह गम खाकर बैठा है। जी तोड़ काम करना मतलब आपको पता है मेहनत करना। मुहावरों की गतिविधि के साथ बच्चों हमारा पाठ समापन की ओर बढ़ रहा है। तो पाठ समाप्त करने से पहले आइए हम पाठ की कुछ बातों को दोहरा लेते हैं। कैसा लगा आपको पाठ? कहानी अच्छी लगी? लगी होगी ज़रूर। और बैलों के बारे में, हीरा और मोती, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे लगे आपको? आपको उनके अंदर मनुष्यों जैसे कोई गुण नज़र आए?
मनुष्यों की तरह व्यवहार उनका कोई लगा आपको? हाँ तो बताइए। हाँ, वे अपने से प्यार करने वाले को वापस उतना ही प्यार करते हैं जैसे वे झूरी को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाना चाहते। इसके अलावा बच्चों, उन्होंने अत्याचार का सदा ही विरोध किया, कभी भी उसको अपनाया नहीं और हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और वे दोनों एक दूसरे से सच्चे मित्र की तरह प्यार करते थे। यदि एक पकड़ा जाता तो दूसरा भी अपने आप को पकड़वा देता था और दोनों जहां भी जाते इकट्ठे ही रहते थे। उन्हें देखकर लगता है कि काश मनुष्य भी ऐसे होते तो मनुष्य की कितनी ही उलझने समाप्त हो जाती और उनका जीवन सुखमय हो जाता। बच्चों, आपको पता है बहुत से और भी लेखकों ने अपने घर पर रखे हुए जानवरों के बारे में कहानियां या संस्मरण लिखे हैं, जैसे महादेवी वर्मा का लिखा नीलकंठ और गिल्लू। आप इन कहानियों को ढूंढिए, इन्हें पढ़िए, आपको जरूर मजा आएगा। तो हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे ने घर पर जानवर रखे हों, तो आप उनके बारे में अपने अनुभवों को कहानी में लिखिए, अपने मित्रों को सुनाइए और आप लोग वह कहानी लिखकर मुझे भी भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार बच्चों।